जय श्री राम। मित्रों, श्री राम कथा का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसमें श्री राम जी जब जनकपुर में गए, उनकी सुंदरता का वखान इतनी सुंदरता से किया गया है। वे इस संसार के सबसे सुंदर वर हैं, इतने सुंदर कि जब जनकपुर में आए तो पूरे नगर में हलचल मच गई, पूरा नगर बहुआ गया, जैसे अभी धनुष टूटने की कोई आशा भी नहीं दिखाई दे रही थी। पर पूरा नगर हाथ जोड़कर देव को गोहराने लगा, हे सूरज बाबा, हे संझा माई, राजा की बिटिया के लिए इनसे अच्छा वर नहीं मिलेगा, कृपा कीजिए कि ये ही धनुष उठा ले। जनकपुर के मार्ग पर भगदड़ मची है, सारे नर नारी बेचैन हैं। उन दो युवकों को देख लेने के लिए जो स्वयं जनकपुर देखने निकले हैं, एक युवती अपनी सखी से कहती है, राजकुमारी से इनका विवाह हो जाए तो हमारा भला हो जाएगा। ससुराल के नाते ही जब जब जनकपुर आएंगे तब तब इन्हें निहार लेने का सौभाग्य तो मिलेगा। पर यह राजा इतना मूर्ख हो गया है कि जाने किस धनुष उठाने वाले प्रण पर अटका हुआ है। इतने कोमल बालक भला क्या ही धनुष उठाएंगे, काश कि यही उठा लेते। बच्चे उन्हें छू कर देख रहे हैं, एकाएक जाने कितनी प्रकार की हवाएं बहने लगी। कोयल, तोता, चकोर, पपीहा सब एक साथ ही गाने लगे। समूचे जनकपुर में जैसे एक पवित्र ग्रंथ पसर गई हो। लोग बाग सब कुछ भूल गए हैं, बस याद है तो वो दो युवक जो अयोध्या वाले राजा दशरथ के बेटे हैं और विश्वामित्र बाबा के साथ आए हैं। मुनि बाबा के साथ दोनों भाई धनुष यज्ञ मंडप पहुंचे हैं। सभा में अनेक राजा महाराजा बैठे हैं, पर राज कुटुंब के हर नर नारी की दृष्टि बस उसी युवक पर टिकी हुई है। माताओं को उनमें अभी से अपना पुत्र दिखने लगा है। वे उनकी ओर देखती हैं तो अनायास ही आंखों में जल उतर आता है। एक एक करके राजा लोग धनुष के पास अपनी शक्ति दिखाने पहुंच रहे हैं। जैसे ही कोई राजा धनुष तक पहुंचता है तो सारी स्त्रियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती हैं, हे भगवान, इनसे न उठे। जब वह हार कर वापस लौटता है तो सबके कलेजे को शांति मिलती है। मन ही मन कहती हैं, भाग भक्चो नरा, जाने कहां से आ गया था धनुष उठाने। सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, किसी से धनुष न उठे, बस यह सांवला सा जो बैठा है अयोध्या वाला, नाता कोई एक दिन के लिए थोड़ी जुड़ रहा है, वर ऐसा ढूंढना है जिससे लाख बरस तक नाता निभे, वैसा अब तक बस एक ही दिखा है। सबके हार जाने पर राजा जनक उदास होकर कहते हैं, क्षत्रित्व समाप्त हो गया क्या देव? इस पर लक्ष्मण जी का क्रोध और समूची पृथ्वी को उठा लेने का दावा, पर आम मिथिला वासियों का मन नहीं मानता। महिलाएं सोच रही हैं, ये पश्चिम वाले ऐसे ही लंबी लंबी हांकते हैं क्या रे? कहां महादेव का विशाल धनुष और कहां ये कोमल किशोर? सबके हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं, लखन की बातों पर भरोसा नहीं होता, फिर भी सभी चाहते हैं कि उनकी बात सत्य हो। धनुष सवर के उठाए, हे देव, हे मैया, हे महादेव, कृपा करो। गुरुजी ने सांवले को आदेश दिया है। वे उठकर धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। अचानक हजारों लोगों की धड़कन बढ़ गई है, गला भर आया है, आंखों में जल उतर आया है। सब मन ही मन जोर जोर से जप रहे हैं, महादेव, 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 बस यही यही यही। वे धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबा लिखते हैं, जैसे हजार काम चल रहे हों वैसे हमारे राम चल रहे हैं, कोटि मनोज लजावन हारे। वे धनुष के पास पहुंचे हैं। भयभीत मिथिला वासियों ने क्षण भर के लिए अचानक अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उसी एक क्षण में बिजली चमकी है, आकाश गरजा है, धरती कांपी है। लोग आंख खोलते हैं तो दिखता है धनुष टूट गया है और सिया के राम मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए दूल्हा सरकार की जय।
रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञान बंत अपिसोनर पशु बिनु पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। भक्ति भजन है, किसका भजन? ब्रह्म का। ब्रह्म वह है जो चेतना के स्तरों में मूर्धन्य है, यज्ञों में यज्ञीय है, पूजनीयों में पूजनीय है, सातवतों सत्व संपन्नों में शिरोमणि है, और एक होता हुआ भी अनेक का शासक, कर्मफल प्रदाता तथा भक्तों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला है। भक्ति योग भावना प्रधान और प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। वह ईश्वर से प्रेम करना चाहता है और सभी प्रकार के क्रिया अनुष्ठान, पुष्प गंध द्रव्य, सुंदर मंदिर और मूर्ति आदि का आश्रय लेता और उपयोग करता है। प्रेम एक आधारभूत एवं सार्वभौम संवेग है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे अपने जीवन से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वार्थी है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे स्वार्थ से प्रेम है। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पुत्र से विशेष प्रेम हो सकता है। इस प्रकार से प्रेम से भय घृणा अथवा शोक उत्पन्न हो सकता है। यदि यही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। ज्यों ज्यों ईश्वर से लगाव बढ़ता है, नश्वर सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम होने लगता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर का ध्यान करता है, तब तक वह भक्ति योग की परिधि में नहीं आता। पराभक्ति ही भक्ति योग के अंतर्गत आती है, जिसमें मुक्ति को छोड़कर अन्य कोई अभिलाषा नहीं होती। भक्ति योग शिक्षा देता है कि ईश्वर से शुभ से प्रेम इसलिए करना चाहिए कि ऐसा करना अच्छी बात है, न कि स्वर्ग पाने के लिए अथवा संतति संपत्ति या अन्य किसी कामना की पूर्ति के लिए। भक्ति सिखाती है कि प्रेम का सबसे बढ़कर पुरस्कार प्रेम ही है और स्वयं ईश्वर प्रेम स्वरूप हैं। विष्णु पुराण में भक्ति योग की सर्वोत्तम परिभाषा दी गई है और बाबा तुलसीदास जी ने भी श्री रामचंद्र जी भक्त प्रेम को दर्शाया है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लगे हाथ बाबा तुलसीदास जी महाराज की भी जय बोल दीजिए। प्रभु श्री राम और माता जानकी के वैवाहिक वर्षगांठ की समस्त संसार को बधाई हो। मित्रों, हम जल्दी ही रामचरितमानस का अध्याय 1 से नंबर बाय नंबर शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, आप मुझे कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं जल्दी से जल्दी ये रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकूं। मित्रों, ये प्रसंग बहुत ही मनभावन है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कथा नए प्रसंग को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम। तो बोलिए जय श्री राम।